नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रुद्र दिवाकर पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल रुद्र ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम और आप बात करने वाले हैं हेलो एल्केन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो हेलो एल्केन है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इन दोनों शब्दों को हमें पहले समझना है, फिर इसके बेसिक कंसेप्ट को जाना है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो जो हेलो एल्केन होता है वो लिया गया है, इसमें जो हेलो शब्द है उसका अर्थ होता है हैलोजन। दोस्तों जो हैलोजन होते हैं वो वर्ग 17 में, हमारे आवर सारणी के वर्ग 17 में जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तत्व होते हैं उन्हें हम लोग हैलोजन तत्व कहते हैं। ठीक है, तो अभी हेलो का हम मतलब समझ सकते हैं हैलोजन तत्व से। हैलोजन तत्वों के बारे में यहाँ एक बात और बताता चलूं, अगर कहीं फ्लोरीन हमें मिलेगा आगे तो हम उसे फ्लोरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लोरो बोलेंगे। अगर क्लोरीन मिल रहा है तो उसे हम क्लोरो बोलेंगे। अगर ब्रोमीन मिल रहा है तो उसे हम ब्रोमो बोलेंगे। और अगर आयोडीन मिल रहा है तो उसे हम आयोडो बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जाने के बाद हम बात करते हैं एल्केन के बारे में। दोस्तों जो एल्केन होता है वो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, और ये संतृप्त होते हैं। ये कैसे होते हैं? संतृप्त होते हैं और इनकी जो श्रृंखला है वो आगे बढ़ती हुई चली जाती है। बात करते हैं इनका सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। अभी आपको इसको भी क्लियर कर देते हैं, इसका क्या मतलब है और सामान्य सूत्र का हमारा क्या यूज है। इसमें हमें एक चीज और जानना है कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ये हमें जरूर नोट करना है कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, एल्केन हम समझ रहे हैं, अभी हमने हैलो समझ लिया है, एल्केन हम समझ लेते हैं। हैलो एल्केन से कोई भी डाउट आपके मन में अब नहीं रह जाएगा। हमें जानना है कि जब भी हम एल्केन पढ़ते हैं, एल्केन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा मैं आशा करता हूं, लेकिन यहां फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि एल्केन का नामकरण हम लोग कैसे करते थे। तो सबसे पहले हमें मूल शब्द लिखना होता था, मूल शब्द, देन हम लोग इसके बाद ऐड करते थे एन। क्या ऐड करते थे? एन। तो मूल शब्द अगर आपको लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। मूल शब्द अगर एक कार्बन होगा तो हम लोग मेथ प्रयोग करेंगे, दो के लिए एथ प्रयोग करेंगे, तीन के लिए प्रोप, ऐसे ही चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स और सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए आक्ट और नौ के लिए नान तथा दस के लिए डेक। अभी हमको इतना मालूम होना चाहिए, इन सभी के पीछे हमें एन लगा देना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अगर एन बराबर मैं वन ले रहा हूं, एन बराबर वन ले रहा हूं तो कार्बन मेरा एक रहेगा और हाइड्रोजन हमारे हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन, दो और दो चार, तो यानी CH4। ये हमारा सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इसे हम लोग क्या नाम देंगे? बहुत आसान है, आपको रिविजन भी हो जाएगा। यहाँ कार्बन कितने हैं? एक, तो मेथ और इसमें कार्बन एक ही है तो एन लगा देंगे, क्या नाम हो जाएगा? मेथेन। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। अगर दो कार्बन होंगे, ठीक है, दो कार्बन है, यहां यहां एच लगा दिया हमने, फास्ट रिविजन कर लेते हैं इसका, ठीक है, और दो कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा 1, 2, दो के लिए एथ लगाते हैं और इसका नाम हो जाएगा एथेन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये था हमारा एल्केन। अब हम इतना जान चुके हैं कि हैलो एल्केन का अर्थ है हैलोजन और एल्केन। यहां एक चीज और समझते चलिए, अब क्या करते हैं, हैलो एल्केन बनते कैसे हैं? तो ऐसे तो कंसेप्ट है, ये दोनों अलग अलग सेपरेट हम लोगों ने समझ लिया। अगर अभी भी कोई डाउट आती है, अगर आईपीएससी नाम लिखने में आपको डाउट होता है तो जरूर बताइएगा कमेंट में, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो जरूर बता दूंगा। आगे बात करते हैं, होता क्या है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, जो एल्केन होता है उससे हाइड्रोजन को ड्रॉप कर देते हैं, यानी हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं। एल्केन से हाइड्रोजन को हटा करके उसमें हैलोजन ग्रुप, इसे यक से लिखते हैं, हैलोजन ग्रुप ऐड कर देने पे हमें प्राप्त होता है आर यक्स। आर यहां पर एल्किल समूह है, ये भी समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एल्किल समूह का यूज हम आगे केमिस्ट्री के हर क्लास में करने वाले हैं, तो एल्किल समूह हमें समझना है। एल्किल समूह समझने का सबसे आसान तरीका है, जैसे ये CH4 हमारा था,
ये मेथेन है, लेकिन अगर हम इससे जो ये हाइड्रोजन है वो हटा देते हैं तो अभी मेरे पास बॉन्डिंग के लिए कार्बन की एक संयोजकता खाली रह जाती है, और ऐसे ही समूह को हम लोग क्या समूह बोल सकते हैं, मेथिल या एल्किल समूह बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल्किल समूह बोल सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर होगी कि जब एल्केन से हाइड्रोजन को हटा करके उस जगह पर हैलोजन ग्रुप लगा देते हैं तो जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम लोग हैलो एल्केन कहते हैं। ये परिभाषा आप नोट भी कर सकते हैं कि एल्केन से हाइड्रोजन को विस्थापित करके हैलोजन ग्रुप लगाने से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों को हम हैलो एल्केन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि अगर मैं मेथेन में CH4 है, मेथेन में हाइड्रोजन को हटा देता हूं, इसकी संरचना आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए अगर इसके हाइड्रोजन को हम एक हटा देते हैं और इस जगह पर हम लोग हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा ये देखिए यहां पर हमारा X लग गया और यही हमारा कहलाएगा हैलो एल्केन। अगर यहां हमने क्लोरीन लगा दिया, हमने इससे पहले आपको बता दिया है कि क्लोरीन लगने पे हमें क्लोरो बोलना है, ठीक है, और कार्बन इसमें कितने हैं, एक, यानी ये मेथेन है तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, क्लोरो मेथेन। आइए दोस्तों इसके नाम तंत्र को समझ लेते हैं, ये तो अभी हम लोग बेसिक समझ रहे थे। नाम तंत्र कैसे नाम करेंगे, नाम तंत्र में आपको करना क्या है कि सबसे पहले एल्केन श्रृंखला को देखना है, फिर हमको उससे पहले पूर्व लग्न के रूप में क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयडो यूज करना है। अगर एक आ रहा है तो उसके लिए मोनो लगाएंगे, अगर एक हाइड्रोजन समूह है तो उसके लिए मोनो, और मोनो का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन अगर दो बार आ रहा है तो डाई। इन सबको भी मैं एग्जांपल के तौर पे समझा भी दूंगा। तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि कैसे नाम तंत्र करेंगे, तो इसके नाम तंत्र करने के लिए आपको फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे ये हमारा है ये CH3Cl। अब इसका नाम लिखना है हमारे लिए बहुत आसान है, इसमें एक कार्बन लगा हुआ है और एक क्लोरीन समूह लगा हुआ है, तो क्लोरीन के लिए हम लोग क्लोरो लिखते हैं और इसके लिए मेथेन, तो इसका IUPAC नाम हो गया क्लोरो मेथेन। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं CH3CH2Cl। अब इसमें क्या है, एक और दो लगा हुआ है तो ये एथेन है, और क्लोरीन लगा है तो क्लोरो एथेन। इसका नाम आपको स्वयं बताना है CH3CH2CH2Cl, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आगे देखते हैं, अगर इसमें एक या एक से अधिक लगे हुए कार्बन तो इन्हें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी यानी प्राथमिक द्वितीय और तृतीय में कैसे इनको बांटते हैं। तो अगर कोई ऐसा कार्बन है जिससे हमारा जो हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है उसके अगल बगल में कोई भी कार्बन नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग 1 डिग्री हैलो एल्केन बोलेंगे। हैलो एल्केन को एल्किल हाइलाइट भी बोलते हैं दोस्तों, सामान्य भाषा में इन्हें हम लोग एल्किल हाइलाइट भी कहते हैं। तो अगर एल्किल हाइलाइट शब्द भी आपके सामने आता है तो उसे आप हैलो एल्केन ही समझिएगा। तो ये 1 डिग्री यानी प्राथमिक हो जाएगा। अगर ऐसा है जिसके अगल बगल कार्बन लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ भी कार्बन लगा हुआ है, इसमें भी हाइड्रोजन लगा देते हैं और ये, ठीक है, और हमारा जो हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है वो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके अगल बगल में कितने कार्बन लगे हुए हैं, दो, तो इसे हम लोग बोल देंगे 2 डिग्री हैलो एल्केन। अगर ऐसा होता है जिससे हमारा हैलोजन ग्रुप लगा है उससे 3 कार्बन समूह और जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये देखिए, तो इसे हम लोग 3 डिग्री हैलो एल्केन बोल देंगे। ये कैसा हो गया, 3 डिग्री हैलो एल्केन हो गया, ठीक है। बहुत आसान था इसका नाम लिखना, नाम में आपको पूर्व लग्न और बाद में उसकी कार्बन श्रृंखला का नाम लिख देना, जनरली जैसे हमने मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऐसे करते हुए। अगर दो बार क्लोरो आ जाता है, एक एग्जांपल दिखा देते हैं, अभी आगे आएगा निर्माण विधि में तो वहां मैं समझा देता हूं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी निर्माण विधि के बारे में कि कैसे हम लोग हैलो एल्केन का निर्माण करेंगे। बहुत सिंपल है बच्चों, हैलो एल्केन का निर्माण आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला है हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एल्केन है उसका हाइड्रोजनीकरण करा देते हैं, मतलब एल्केन में हाइड्रोजन को हटा करके उसमें हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ दिया जाता है। हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहली विधि है एल्केन का हाइड्रोजनीकरण, एल्केन का हाइड्रोजनीकरण। इसमें क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ले लिया है CH4, CH4 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखिए CH4 हो गया हमारा, इसकी क्रिया हम लोग Cl2 से करा देते हैं, ठीक है, हम लोग इसको उच्च ताप दे देते हैं, उच्च ताप
ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, इसका जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन जाकर के यह सीएल से बॉन्डिंग कर लेता है और दूसरा क्लोरीन इस कार्बन पे आके अटैक कर देता है, हमारा बन जाता है CH3Cl, ये वाला सीएल जो यहाँ क्या ऐड हो गया था, और ये HCl प्लस HCl। अब इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, एक क्लोरीन लगा हुआ एक कार्बन है तो इसका नाम हो गया क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसी को फिर से अभिक्रिया में ले आते हैं, CH3Cl प्लस Cl2, सेम ऐसे रिएक्शन होगी और एक H और एक Cl बाहर हो जाएगा और एक Cl इसके अंदर ऐड हो जाएगा। हम लोग टेम्परेचर दे देंगे और ये अब दो H बचेंगे इसके पास CH2, और इसके पास दो Cl लग चुके होंगे CH2Cl2 प्लस HCl बन चुका होगा। इसका नाम क्या लिखेंगे, बहुत आसान है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि इसका नाम कर देंगे डाई क्लोरोमेथेन। इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन। अब डाइक्लोरोमेथेन को फिर ले आते हैं तो CH2Cl2 प्लस Cl2, फिर टेम्परेचर दे देते हैं। अब इस बार जो एक हाइड्रोजन और हटेगा, एक Cl और आके जुड़ेगा तो ये बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तीन बार क्लोरीन लगा हुआ है तो ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है, और प्लस HCl लगा हुआ है। दोस्तों यहां बताता चलो, इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में, कि इसका उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में पहले किया जाता था, अब क्यों नहीं किया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट में पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों भर के रखते हैं, हम आगे आने वाली वीडियो में भी बात करेंगे। फिर हम लोग ले आते हैं CHCl3 को यहाँ पे, CHCl3 प्लस Cl2, फिर हम लोग टेम्परेचर इसको दे देते हैं और क्या बन जाएगा ये CCl4। इस बार सारे हाइड्रोजन हट चुके हैं और सभी जगह क्या लग चुके हैं, क्लोरीन लग चुके हैं। कितने क्लोरीन हो चुके हैं, चार, तो टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है, टेट्राक्लोरोमेथेन। तो ये निर्माण विधि का पहला विधि था, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा निर्माण विधि बात करते हैं, दूसरी विधि में हम लोग क्या करते हैं कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करा देते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करा देते हैं, ठीक है। यानी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं ROH, इसे हम लोग एल्कोहल कहते हैं, और प्लस HBr, बहुत इजी है, HBr लिया हमने तो H2 हमारा बाहर हो गया और RBr बन गया, ठीक है। यहाँ ऐसे एग्जांपल के तौर पे HX भी ले सकते हैं, जिसके आप कई सारे रिएक्शन बना सकते हैं, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है, इससे हम लोग कई सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो ये बन जाएगा RX प्लस H2O, फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग लेते हैं CH3OH प्लस HBr, जैसा कि हमने पहले बता रखा है, ये बन जाएगा CH3Br प्लस H2O। इसका नाम क्या होगा दोस्तों, इसका नाम होगा ब्रोमो मेथेन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं CH3CH2OH, इसका नाम है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, और प्लस ले लिया HCl, फिर वही हाल होगा और H2O हमारा बाहर हो जाएगा और बन जाएगा CH3CH2 और Cl प्लस H2, वो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन, ठीक है। ये इसकी दूसरी विधि थी, हम लोग हैलोएल्केन बनाने की दूसरी विधि भी पढ़ चुके हैं, आसानी से आपको समझ आ चुकी होगी। तीसरी विधि देख लेते हैं, तीसरी विधि है कि हम लोग एल्कीन होता क्या है, जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है तो उन्हें हम लोग एल्कीन बोलते हैं। एल्कीन की अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवा देते हैं और हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, हैलोएल्केन प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये है CH2 हमने ले लिया है, इथीन हमने ले लिया और फिर अभिक्रिया करा दिया है HBr की, तो होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ के ऐड हो जाएगा और ब्रोमीन
यहाँ के ऐड हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, सी एच टू पहले था तो सी एच थ्री, और यहाँ क्या बन गया सी एच टू बी आर, सी एच थ्री सी एच टू और बी आर यहाँ के ऐड हुआ था तो बी आर इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। तो इस तरह हमने देखा तीन विधि निर्माण की हम लोग पढ़ चुके हैं। हेलोएल्केन के भौतिक और रासायनिक गुण तथा उपयोग व हेलोएरिन की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।